लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के बलिया जिले की रसड़ा व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के नाम व्हाट्सएप के माध्यम से दिया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हम व्यापारियों का आपसे विनम्र निवेदन है कि सप्ताह में शनिवार, रविवार, बंदी के अलावा अन्य दिनों को लॉकडाउन से छूट प्रदान की जाए। वर्तमान समय में दुकानों की बंदी का जो शेड्यूल आप द्वारा निर्धारित किया गया है वह भेदभावपूर्ण है, वह व्यापारियों में रोष पैदा कर रहा है। मुख्य मार्ग के दुकानदारों की अपेक्षा गली के दुकानदारों को केवल शुक्रवार को दुकान खोलने का एक दिन का छूट देना न्याय संगत में नहीं है, क्योंकि बाजार का 25% हिस्सा मुख्य मार्ग पर है, जबकि 75% हिस्सा बाजार के अंदरूनी हिस्सों में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पहले से उत्पीड़ित हम सब व्यापारियों का और उत्पीड़न न किया जाए। आपसे सहयोग का आकांक्षी व्यापार मंडल रसड़ा, जिला अध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल, नगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी। रसड़ा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे जिले के जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं, उन्होंने जो रोस्टर हम सबको अवगत कराए हैं, अपना निर्धारित रोस्टर के अनुसार खोलने के लिए आदेश पारित किए हैं, उसमें अंदरूनी हिस्सा जो है 75% जो है मार्केट जो है गलियों में है, और अंदरूनी हिस्सा जो है गलियों में है, और बाहर के 25% दुकानदार हैं। सारे लोग जो है 6 महीने से 4 महीने से उत्पीड़ित हैं। व्यापारी अपने घरों पे हैं, बच्चों का फीस कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, अपने घर का खर्च वर्च कैसे वहन करेंगे। आप सब के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि रोस्टर पे पुनः विचार करें, और गलियों में जितनी भी दुकानें हैं, जो दुकानदार प्रताड़ित है, व्यापारी प्रताड़ित है, वो रोड पे आ गए हैं, आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। हम लोग बहुत ही निंदनीय विषय है, कोरोना जैसी महामारी में सारी व्यवस्थाएं व्यापारियों के लिए ही लागू होता है, मुआवजा जो है और लोगों को दिया जाता है, एक एक दिन दुकानें बंदी का हम सबको भी मुआवजा का मांग हमारे सब व्यापारी मांग करते हैं कि नहीं? आप लोग, हम सब व्यापारी मांग करते हैं मुआवजा का, कि हम एक एक दिन का, हम लोग जो है चाहते हैं कि पुनः आप पत्र वगैरह किसी अधिकारी को आप सौंपे। व्हाट्सएप के माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय को आज अवगत कराए हैं, जिसको हम आपको अन्य दिनों को लॉकडाउन में छूट प्रदान किया जाए। वर्तमान समय में दुकानों के बंदी का जो शेड्यूल आप द्वारा निर्धारित किया गया है वह भेदभावपूर्ण है, वह व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। मुख्य मार्ग की दुकानों की अपेक्षा गली में दुकानदारों को केवल शुक्रवार को दुकान खोलने तक का छूट एक दिन मिल रहा है, जो न्याय संगत में नहीं है, क्योंकि बाजार का 25% हिस्सा मुख्य मार्ग पर है, जबकि 75% हिस्सा अंदरूनी हिस्सों में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पहले से उत्पीड़ित हम सब व्यापारियों का और उत्पीड़न न किया जाए। आपसे सहयोग का आकांक्षी व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल, नगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी। हम सब अवगत कराए हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हम लोगों के व्यापारियों के दर्द को समझेंगे और पुनः विचार करेंगे। प्रशासन आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के ज्ञापन देंगे और उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, हम सब व्यापारियों का दर्द को आप सुने और विचार विमर्श करके हम सब व्यापारियों के लिए दुकान खुलवाने का प्रबंध करेंगे, ताकि हम सब अपने व्यापार मंडल के लोगों को के थ्रू व्यापारी खोलें और अपने घर का भरण पोषण कर सकें। काफ़ी टूटे हुए हैं हम व्यापारी। सरकार से क्या मांग करते हैं इस पूरे प्रकरण में? सरकार से हमारी मांग ये है कि सरकार के अनुरूप हमें चलना है, सरकार के अनुरूप हमें चलना है। सरकार सैनिटाइजर का प्रयोग हम करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे, एहतियात बरतेंगे, एहतियात बरतते हुए हम लोग
अपने दुकानों को खोलेंगे, सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे। बाकी विनम्र निवेदन करते हुए, कोरोना महामारी में काफी जो दुकानदार है काफी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारे जो भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो उनसे हम व्यापार मंडल के थ्रू अपने नेतृत्व के थ्रू उनको हम अवगत कराएंगे और उनको कहेंगे कि आप सरकार के अनुरूप चलने का कोशिश करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कुछ दुकानों पर ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पे भीड़ इतनी है कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नामुमकिन है, और नहीं वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है और नहीं ग्राहकों के या दुकानदार के मुँह पे मास्क दिख रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे तरफ से सभी दुकानदारों से अनुरोध है, विनती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय अगर पुनः रोस्टर पे विचार करते हैं तो हम अपने व्यापारियों से आग्रह विनम्र निवेदन करेंगे कि वो व्यापारी मास्क का प्रयोग करे और सैनिटाइजर का प्रयोग करे और सरकार के कोरोना जैसे महामारी के वजह से खुद को बचाए, सतर्क रहे। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।